एग्जाम्पल्स ऑन YDSC. देखो YDSC हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने पार डिफरेंस देखा एन लैम्डा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव में किया और लैम्डा की वैल्यू बीटा हमने डिस्कस किया, एंगुलर विड्थ हमने लास्ट टाइम डिस्कस सब किया. इसका क्वेश्चन नंबर जैसे वन इन YDSC एक्सपेरिमेंट, टू पैरेलल स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट, तो क्या गिवन है? स्मॉल डी. स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? छोटा डी. ठीक है. एंड स्क्रीन इज प्लेस 1 मीटर अवे, क्या गिवन है? बड़ा डी. बड़ा डी. व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन? फ्रिंज सेपरेशन क्या होती है? बीटा. बीटा. व्हेन ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, तो आपको क्वेश्चन में छोटा डी पता है, आपको क्वेश्चन में बड़ा डी पता है, आपको लैम्डा पता है. क्या निकालना है? फ्रिंज सेपरेशन क्या होती है? बीटा. तो बीटा क्या होता है? लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी. तो सिंपल क्वेश्चन है बीटा निकालने का. ठीक. इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें. 15th. को स्टार्ट करते हैं. लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन 630 नैनोमीटर. तो लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन, लैम्डा की वैल्यू गिवन, इंसिडेंट ऑन द पेयर ऑफ स्लिट्स प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 8.1 mm. ब्राइट फ्रिंजेस की सेपरेशन क्या होती है? बीटा. तो क्वेश्चन में क्या है कि मैंने जब वेवलेंथ 630 है लैम्डा 1, तो ब्राइट फ्रिंजेस सेपरेशन 8.1 क्या गिवन है? बीटा 1. सेकेंड लाइट प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, अब एक और लाइट है जिसमें फ्रिंजेस सेपरेशन कितना है? 7.2. बीटा 1 गिवन है, बीटा 2 गिवन है, लैम्डा 1 गिवन है, कह रहे लैम्डा 2 निकाल लो. बीटा और लैम्डा का क्या, ना तो कैपिटल डी चेंज करना है ना स्मॉल डी चेंज करना है. तो बीटा क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी. तो बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो क्या इक्वेशन बनेगी? बीटा 1 बाय बीटा 2, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2. कर लोगे सॉल्व आगे? आपको लैम्डा 2 निकालना है, बाकी सब कुछ गिवन है आंसर. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? जैसे क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो. क्वेश्चन येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा 1 गिवन है, प्रोड्यूसेस फ्रिंज विड्थ बीटा 1 गिवन है इन YDSC एक्सपेरिमेंट. व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ? फिर से बीटा निकालो. लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वेवलेंथ 7500 एंगस्ट्रॉम एंड सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड. स्लिट सेपरेशन क्या होता है? छोटा डी.
सेकेंड केस में स्मॉल डी को 2d कर दिया, लैम्डा तो चेंज किया ही किया, d की जगह 2d भी कर दिया। तो केस नंबर वन बीटा वन लैम्डा वन d बाय डी, केस नंबर टू बीटा टू लैम्डा टू d बाय 2d। तो ये भी फर्क पड़ गया और ये भी फर्क पड़ गया, दोनों को डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके ये रेशियो आ गई। तो आपको बीटा टू निकालना है, बीटा वन पता है, लैम्डा टू पता है और लैम्डा वन पता है, बीटा टू कैन बी कैलकुलेटेड। तो कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है फ्रिंज विड्थ के क्वेश्चन कैसे होंगे, क्लियर है, आसान है, फॉर्मूला याद होगा तो अपने आप हो जाएगा, ठीक। बाकी प्रैक्टिस है, होमवर्क करके आओगे, 17 पढ़ो। तो इन अ टू स्लिट एक्सपेरिमेंट विद मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट, समझ में आ रहा है कैपिटल डी है, इफ स्क्रीन इज मूव्ड 5×10⁻²⁻ टूवर्ड द स्लिट। तो पहले स्लिट कितनी दूरी पे है स्क्रीन से, बड़ा डी, अब कह रहे पास आ गए, कितना पास आ गए, 5×10⁻²। तो यानी कि पहले डिस्टेंस अगर कैपिटल डी है, अब डिस्टेंस डी डैश है स्क्रीन का, तो दोनों का डिफरेंस डी माइनस डी डैश गिवन है कितना, इतना, समझ में आ गया, स्क्रीन का डिस्टेंस का डिफरेंस गिवन है टुवर्ड दिस चेंज इन द फ्रिंज विड्थ, यानी कि जब डिस्टेंस कैपिटल डी था फ्रिंज विड्थ क्या थी बीटा, और जब डी डैश हो गया तो फ्रिंज विड्थ बीटा डैश। तो दो केस बन गए, तो दोनों को अगर माइनस कर लें तो ये टर्म आ गई, आपको वेवलेंथ निकालनी है इसमें, तो वेवलेंथ एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, आपको इस क्वेश्चन में फ्रिंज विड्थ का डिफरेंस गिवन है कितना, 10⁻³, ठीक, 3×10⁵5, सॉरी, हाँ, चेंज इन फ्रिंज विड्थ ये गिवन है, एंड आपको इसमें डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट स्मॉल डी गिवन है, और आपको ये गिवन है डी माइनस डी डैश की वैल्यू भी गिवन है। तो यहां से ये तीनों चीजें पुट करके लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड, सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये होमवर्क है आपका, होमवर्क लिखो, इसमें फ्रिंज विड्थ को बीटा की जगह क्या नाम दिया, एक्स, क्या फर्क पड़ता है, चाहे बीटा लो चाहे एक्स लो, फर्क क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन है बीटा का, आप इसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 19 भी होमवर्क लो, तो किया हुआ क्वेश्चन है, वैसे हमने 19 के किया हुआ है, पिछले लेक्चर में किया था। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन के जैसा किया पर सेम नहीं किया हमने, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन दिस स्लिट्स इज 3 mm, क्या गिवन है, छोटा डी, एंड 2 meters अवे फ्रॉम दी स्क्रीन का मतलब क्या गिवन है, बड़ा डी, 2 interference patterns कैन बी सीन ऑन दी स्क्रीन, 1 due to light of wavelength 480 और दूसरा 600, तो दो दो लैम्डा गिवन है। वो क्या कह रहे हैं, वॉट इज द सेपरेशन ऑन दी स्क्रीन बिटवीन द फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ द 2 interference पैटर्न। हुआ क्या कि एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर सेंटर से कोई पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर फिफ्थ मैक्सिमा बन रहा था जब वेवलेंथ लैम्डा थी, वेवलेंथ चेंज हो गई तो फिफ्थ मैक्सिमा, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होने से बीटा चेंज हो जाता है और डिस्टेंस भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमा का डिस्टेंस होता क्या है, एन लैम्डा डी बाई डी। तो जैसे ही आप लैम्डा चेंज करोगे एक्स भी चेंज हो जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि वो जो फिफ्थ मैक्सिमा था पहले, जब वेवलेंथ लैम्डा थी तो फिफ्थ मैक्सिमा यहाँ पे था, अब जब वेवलेंथ बढ़ गई या कम हो गई
तो मैक्सिमा का पॉइंट चेंज हो गया फिफ्थ मैक्सिमा, तो वो कितना चेंज हुआ ये क्वेश्चन है। तो फिफ्थ मैक्सिमा का डिस्टेंस निकलता कैसे है, एन लैम्डा डी बाई डी, एन की जगह क्या 5, तो आपने जब वेवलेंथ यूज की कितनी 480 नैनोमीटर 10 की पावर -9, तो ये डिस्टेंस आ गया। फिर आपने फिर वही डिस्टेंस निकालना है लेकिन लैम्डा की जगह कितना 600, डिस्टेंस चेंज हो गया x, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है, माइनस कर लेना आंसर। तो समझ में आ रहा है, पॉइंट फिफ्थ मैक्सिमा ही है पर डिस्टेंस फिफ्थ मैक्सिमा का इसलिए चेंज हुआ क्योंकि लैम्डा चेंज हो गया। सही है यहां तक, तो डिफरेंस निकाल देना। इस क्वेश्चन को देखो 22, इन YDSC एक्सपेरिमेंट रेड लाइट 6000 एंगस्ट्रॉम की यूज हो रही है, और कौन सी फ्रिंज बन रही है, nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है P पॉइंट पर, डन हो गया। कीपिंग सेम सेटिंग, सेम सेटिंग ना तो छोटा डी चेंज करना है ना बड़ा डी चेंज करना है, लाइट की वेवलेंथ चेंज कर दो 5000 उसी पॉइंट पर, पॉइंट भी चेंज नहीं करना, उस पॉइंट पर अब nth ब्राइट नहीं बन रहा, n प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज बन रही है, पॉइंट नहीं चेंज किया हमने, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट रिमेंस सेम। तो पूछ रहा है कि एन कितना है, तो अब एनथ ब्राइट का डिस्टेंस निकलता कैसे है, एन लैम्डा डी बाई डी, तो लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम एक्स आ गया। जब मैंने लैम्डा को कम किया लैम्डा डैश, तो मुझे इसे बढ़ाना पड़ा बाय वन क्योंकि एन प्लस वनथ ब्राइट, ताकि एक्स रिमेंस सेम। भाई एक चीज कम होगी एक ज्यादा होगी तभी तो एक्स रिमेंस सेम। तो कह रहा है कि n की जगह n प्लस वन कर दो, लैम्डा की जगह लैम्डा डैश कर दो, x रिमेन सेम। तो ये x आ गया, ये फिर से x आ गया n प्लस वन की फॉर्म में, इन दोनों को इक्वेट करके n आ जाएगा, डन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है इसमें। तो आपने nth ब्राइटनेस निकाल लेनी है, डिस्टेंस n प्लस वनथ निकाल लेनी है, और x की वैल्यू सेम होने की वजह दोनों को इक्वेट कर देना है। मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 23। देखो, बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 800 एंड 600 नैनोमीटर इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन YDS। दो वेवलेंथ यूज कर रहा है, एक 800 और एक 600, और स्क्रीन का डिस्टेंस कितनी दूरी पे है, 1.4 कैपिटल डी गिवन है। इफ टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डी भी दे रहा है, कैलकुलेट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम, सेंटर से कम डिस्टेंस पे, वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ टू वेवलेंथ कोइंसाइड। तो कम से कम डिस्टेंस पे, देखो ये पता है कि जब लैम्डा चेंज होगा ना, तो जो मान लो एनथ मैक्सिमा आ रहा है, तो लैम्डा चेंज होने से वो डिस्टेंस को चेंज होना ही होना है, तो वहां पर एनथ मैक्सिमा नहीं आएगा, पता नहीं कौन सा मैक्सिमा आएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि मैंने लैम्डा को चेंज किया, ये भी सही है, तो आपको बताना है कि कहां पर आपको लीज डिस्टेंस बताना है, सेंटर से कितनी दूरी पर, वाई बताना है या एक्स बताना है, जहां पर दोनों वेवलेंथ का की ब्राइट फ्रिंजेस आपस में कोइंसाइड करती हैं, कम से कम केस करना है आपने। चलो मान लेते हैं जब आपने वेवलेंथ 800 यूज की, तो एनथ ब्राइट फ्रिंज बनी एन लैम्डा डी बाई डी, बन गई।
तो एन लैमडा डी बाई डी एक्स डिस्टेंस पर nth ब्राइट बन गई। जब मैंने लैमडा को चेंज किया लैमडा टू, हो सकता है उसी पॉइंट पर एन प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करती हो सेकेंड की, हो सकता है एन प्लस टू करती हो सकता है एन प्लस थ्री करती हो, एन प्लस नाइन करती हो, पता नहीं कौन सी करेगी, पर क्योंकि उसने कहा मुझे लीस्ट केस करना है तो सबसे पहले लीस्ट केस क्या होगा, एन के बाद क्या नंबर आता है, एन प्लस, तो दूसरी वेव का एन प्लस वनथ कोइंसाइड कर देना है। अदरवाइज अगर ये लीस्ट वर्ड ना यूज करता मैं क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाता, क्योंकि मुझे क्या पता कि दूसरी वेव का कौन सा केस कोइंसाइड करेगा। तो इसलिए लीस्ट की वजह से एक nth डिस्टेंस, एक nth जो है ब्राइटनेस है, तो दूसरा लैम्डा चेंज करने से हमने n प्लस टू, n प्लस थ्री नहीं लिया, n प्लस वन ही लिया। बस सेम क्वेश्चन हो गया जो पहले वाला है, इन दोनों को इक्वेट करके n आ जाएगा, n आ गया तो वहां से x की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आपको x निकालना है इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है यहां पर। मैंने कहा कि मान लो जब लैम्डा वन वेव लेंथ है, सेम क्वेश्चन है पहले वाला, तो पी पॉइंट पर nth ब्राइटनेस है, जब लैम्डा चेंज हुआ तो उस पी पॉइंट पर कौन सा ब्राइटनेस होगा, तुम्हें क्या पता, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, पता नहीं। आप कहोगे एन माइनस वन क्यों नहीं, क्योंकि वेवलेंथ को हमने इसमें क्या किया, 800 से 600 डिक्रीज किया, वेवलेंथ डिक्रीज होने से एन बढ़ाना पड़ेगा, तो या तो एन प्लस वन बनेगा, एन प्लस टू बनेगा, एन प्लस थ्री बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा। उसने कहा कम से कम केस सॉल्व करो, तो एन प्लस वन ले लिया, ठीक। तो एन प्लस वन के साथ एक्स को इक्वेट करके आंसर, ठीक। नेक्स्ट होमवर्क, होमवर्क ये क्वेश्चन 25 इन YDSC एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.5, क्या गिवन है, छोटा डी। स्क्रीन इज प्लेस 1 मीटर, क्या गिवन है, बड़ा डी। इट इज फाउंड दैट 9th ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.835 फ्रॉम सेकेंड, जबकि सारे डिस्टेंसेस कहां से होते हैं, फ्रॉम सेंटर, ठीक हो गया। तो क्या कह रहा है, वेवलेंथ निकालो, एक काम करते हैं 9th ब्राइट निकालते हैं। 9th ब्राइट का फॉर्मूला एन लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी क्या होता है, बीटा, तो 9th ब्राइट क्या हो गया, 9 बीटा, ठीक हो गया। एक अब वो कह रहा है कि सेकेंड डार्क निकालते हैं, सेकेंड डार्क का ये फॉर्मूला, डार्क का 2n-1 × लैम्डा डी बाई 2d, 2 पुट करेंगे, या लैम्डा डी बाई डी को बीटा पुट कर लो, चलो एन की जगह 2 पुट करेंगे, 2 × 2 = 4-1 = 3 बीटा बाई 2। तो बीटा की फॉर्म में क्या आ गया, सेकेंड डार्क आ गया। वो कह रहे हैं 9th ब्राइट और सेकेंड डार्क की दूरी आपको 8.835 गिवन है, तो ये 9th ब्राइट है और सेकेंड डार्क है, डिस्टेंस गिवन है, सॉल्व करके क्या आ गया, बीटा। लेकिन बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाय डी, तो यहां से लैम्डा आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्लियर है यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, मतलब बेसिकली तो यार फॉर्मूलाज हैं, जिसको फॉर्मूला समझ में आ रहे हैं, आधा ऑप्टिक्स वैसे ही हो रहा है उसका, ठीक है। यहां तक होमवर्क, एंगुलर विड्थ हमने लास्ट टाइम कर ली, होमवर्क। 128th क्वेश्चन है, आज तक आया नहीं है पर बुक में गिवन है तो बता रहा हूँ। सोडियम लाइट हैज़ 2 वेवलेंथ, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, 2 वेवलेंथ्स हैं। एज द पाथ डिफरेंस इंक्रीजेज, व्हेन इज द विजिबिलिटी ऑफ द फ्रिंजेस मिनिमम, तो कह रहा है कि पाथ डिफरेंस को जब बढ़ाते हैं तो विजिबिलिटी पुअर होती जाती है, कम होती जाए, तो मिनिमम कब होगी। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं विजिबिलिटी ऑफ द फ्रिंजेस विल बी पुअरेस्ट when the path difference p, p for path difference is integral multiple of lambda 1 and half integral multiple of lambda 2, kuch karne ki zarurat nahi hai, ye formula hai, to p by lambda 1 p by lambda 2 is equal to half, to agar ye condition true hai to visibility poorest hai, to yahan se solve karke lambda 1 lambda 2 given hai p aa jayega, done,
फॉर्मूला कहाँ से आया? किताब में नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं है, फॉर्मूला नोट कर लो, आया नहीं वैसे आज तक, मतलब नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपके, कितना ही होमवर्क है, ठीक कह रहे थे ना, वो ज़्यादा हो गया होमवर्क, तो ठीक हो गया होमवर्क, हो जाएगा इतना।